जब हमको समझ में आता है ये काम क्रोध इत्यादि हमको सुख नहीं देता, हम इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, तब व्यक्ति भगवान के बारे में ज्ञान स्वीकार करता है और भगवान को अपना मालिक बनाता है। इस तरह से जब जीव समझता है, धीरे धीरे उसका जब बुद्धि आता है, अवेयरनेस, जब उसको समझ में आता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, काम वासना या जो क्रोध वासना है, ये जब ये मुझे ज़्यादा दुख दे रहा है, तब इसको छोड़ता है और भगवान का सेवा स्वीकार करता है। इस तरह से भक्त जब उसको समझ में आता है मेरा जो आसक्ति है ये दुनिया के प्रति, जितना मैं पकड़ के रखता हूँ उतना दुखी हूँ, जब मैं उसको छोड़ूंगा तब मैं एक्चुअली भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो भगवान और भगवान का सेवा अभिन्न है, इसलिए भगवान के बारे में सोचना या भगवान की सेवा के बारे में सोचना दोनों एक ही है। इस तरह से भक्त सिर्फ भगवान को देखता नहीं है पर भगवान उसको देखते हैं। इस तरह से जब हम अच्छे से सेवा करते हैं और भगवान हम पे प्रसन्न होते हैं, भगवान हमको ज्ञान देते हैं, तो भगवान हमारे हृदय से ज्ञान का दीप जलाते हैं, उससे हमको प्रकाश मिलता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम करिष्ये वचनम तव, जब हम भगवान की इच्छा का पूरा करने का कोशिश करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि ये सही स्वामी है और हमारे इंद्रियों का, हमारे काम वासनाओं का, क्रोध वासनाओं का, मद मोह का, उसका सेवा छोड़ के हम भगवान की सेवा करते हैं। तो इस तरह से जीव जब भगवान की सेवा करता है पूरे तरह से संतुष्ट, शांत और आनंद प्राप्त करता है और उसका जो भौतिक इच्छा है वो छोड़ देता है।